सबका साथ सबका विकास, सबको जोड़ करके चलने से कैसे परिणाम आते हैं हमने करके दिखाया। लाया जा सकता है मित्रों, मेरे यहां में जब गांधीनगर आया, मैं दिल्ली में रहता था, जसवंत सिंह जी के एक साथीदार के रूप में वहां काम करता था, कई वर्षों से गुजरात आया नहीं था, अचानक मुझे गुजरात आने का मेरे जिम्मे आ गया। और मुझे याद है जब मैं मुझे मुख्यमंत्री का दायित्व मिला था तो अटल जी प्रधानमंत्री थे, उनका टेलीफोन आया कि भाई कहां हो, तो मैंने उनको कहा मैं स्मशान में हूं। तो हंस पड़े, अरे यार तुम स्मशान में हो, मैं तेरे से क्या बात करूं। मैंने कहा नहीं अटल जी आपने फोन किया, कोई काम होगा। उनका अच्छा कितने बजे लौटोगे और स्मशान में क्यों हो। मैंने कहा माधवराव जी सिंधिया का जो एक्सीडेंट हो गया है उसमें उनके साथ एक पत्रकार कैमरामैन है गोपाल, उसका भी स्वर्गवास हुआ है, तो मैं उस गोपाल के फ्यूनरल में आया हूं, क्योंकि माधवराव सिंधिया की फ्यूनरल में तो सब जाएंगे, गोपाल में कौन जाएगा। सामने उस गोपाल के फ्यूनरल में था, कोई और राजनेता था ना नहीं, मैं था, वो दो चार उसके बेचारे पत्रकार मित्र थे। तो मैं रात को अटल जी के यहां गया, फिर उसके बाद मेरे जिम्मे काम आ गया, अचानक आ गया, मुझे पता तक नहीं था, मैं गुजरात से दूर था, मैं गुजरात की गतिविधियों से भी परिचित नहीं था। ऐसी स्थिति में जब मैं आया तो मैंने दिल्ली से फोन किया मेरी पार्टी को गुजरात में, मैंने कहा भाई मुझे बुला तो रहे हो लेकिन मैं जाऊंगा कहां, मेरे पास तो घर नहीं है, रहूंगा कहां। तो उनका आप चिंता मत कीजिए, हम सर्किट हाउस में कमरा बुक करा देते। तो मैंने उनसे कहा देखिए भाई कमरा बुक कराइए, मैं एमएलए कुछ नहीं हूं, पूरा पैसा अगर सरकार लेती है तो कमरा बुक करना, और पूरा चार्ज दे करके मैंने कमरा बुक करवाया। और वही जिंदगी की शुरुआत एक नए मोड़ पे आके खड़ी रही। चार कुछ दिनों सरकार में कमरे में रहा, बाद में शपथ समारोह हुआ, तो सरकार ने एक क्वार्टर दे दिया, वहां चला गया रहने के लिए। लेकिन जब मैं वहां सर्किट हाउस में था, अभी शपथ होना बाकी था, जितने लोग मुझे मिलते थे वो कहते थे मोदी जी अब आप आए हो, चुनाव सामने है, ये कैसे चुनाव जीतोगे, एक काम कर दो बोले, कम से कम लोग गांव में शाम को जब खाना खाते हो ना उस समय बिजली मिले इतना कर दो। मित्रों आपको जानकर के आश्चर्य होगा, गुजरात के अंदर उस समय शाम के समय भोजन के लिए बिजली उपलब्ध नहीं थी, अंधेरा रहता था, और लोग मुझे यही कहते साहब इतना कर दो। मित्रों मैं भी गांव से हूं, मैं भी गरीब परिवार से हूं, मुझे मालूम है परीक्षा के दिन होते थे और रात को बिजली चली जाती थी तो कितनी पीड़ा होती थी, उस पीड़ा को मैंने भुगता हुआ था। और मैंने तय किया मैं कुछ करूंगा। खैर मैं उस पर सोचने लगा, 2000 वो पहली जो साल थी उसमें तो कुछ कर नहीं पाया, लेकिन मैं जब चुन करके दोबारा आया तो मैंने अफसरों को बुलाया कि मैंने कहा भाई 24 घंटे बिजली देनी है। वो बड़ा इंटरेस्टिंग कॉरेस्पॉन्डेंस है मेरी, फाइलें देखने जैसी है। मेरी पूरी सरकार ने मना कर दिया, गुजरात में बिजली है नहीं, संभव ही नहीं है, 24 घंटे गांव में बिजली देना संभव नहीं है। रिटर्न 6 महीने तक फाइल इधर उधर चलती रही, मुख्यमंत्री चिपता रहा, अरे भाई कुछ करो। आखिरकार मैंने फैसला किया मैं करूंगा, टेक्निकल सॉल्यूशन भगवान ने मुझे सुझाया, और 1000 दिन के अंदर, मित्रों 1000 दिन के अंदर गुजरात में ज्योतिग्राम योजना के तहत 24 घंटे 3 फेज अनइंटरप्टेड पावर आज उपलब्ध है। मित्रों ये 1000 दिन में 24 घंटे बिजली कैसे मिली, मैं सिर्फ ये बातें इसलिए बताना चाहता हूं कि आपको विश्वास हो कि देश बदला जा सकता है। वही मुलाजिम, वही इलेक्ट्रिसिटी कंपनियां, वही फाइल, वही दफ्तर, वही तरीके, सब कुछ वही। और मित्रों ऐसा नहीं है कि बिजली जाने वाले स्विच ऑफ कर दी थी, अब मोदी ने कह दिया तो ऑन कर दी और बिजली चल दी, ऐसा नहीं। मित्रों इस ज्योतिग्राम योजना करने के लिए
1000 दिन में 23 लाख खंभे नए डाले गए। कैन यू इमेजिन मित्रों, 1000 दिन में 23 लाख नए खंभे डालना, और मुझे खंभों की जरूरत थी बिजली के। मैंने महाराष्ट्र से पूरा माल उठा लिया, मध्य प्रदेश से उठा लिया, राजस्थान से उठा लिया, जितना मैन्युफैक्चरिंग होता था सारा मैं गुजरात में ढेर कर देता था। 1000 दिन में 23 लाख खंभे मित्रों, 56,000 ट्रांसफॉर्मर्स। आपको मालूम होगा आपके महाराष्ट्र में कहीं अगर एक ट्रांसफॉर्मर जल जाता होगा 2 महीने तक उसको बदलने की होती होगी, है? 4 महीने तक वो उसको उतार करके रिपेयर करके लगाते नहीं होंगे। मित्रों, मेरे यहां भी एक ट्रांसफॉर्मर अगर जल जाता था किसान रोता था, वो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में जाके आरती उतारता था, प्रसाद भी चढ़ा देता था। लेकिन 45 दिन तक ट्रांसफॉर्मर चेंज नहीं होता था, उसकी फसल खत्म हो जाती थी, उसके सपने चूर चूर हो जाते थे, परिस्थिति पलटती नहीं थी। मित्रों, ऐसी व्यवस्था के भीतर भी 1000 दिन में 56,000 नए ट्रांसफॉर्मर, आप हिसाब देखिए मित्रों, और 1000 दिन में 75,000 किलोमीटर केबल। अब अंदाज कीजिए मित्रों, वही मुलाजिम, कोई एक्स्ट्रा नहीं, यही लोगों ने इतना काम किया। क्या विश्वास है कि नहीं आपको कि यह देश बदला जा सकता है? सबका साथ सबका विकास, सबको जोड़ करके चलने से कैसे परिणाम आते हैं, हमने करके दिखाया।